एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे किया, सिंपल है। आपका मोबाइल नंबर लगेगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है, आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी एक लगेगा, उसको आप फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल, जैसा कि देख सकते हैं, चालू हो गया। अब गाइज यहाँ पे आपको देखना होगा कि यूपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको टाटा पे का, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंतजार करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, टाटा पे द स्मार्ट एंड सिक्योर वे टू पे। यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद इंतजार करेंगे, आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर गाइज देखिए आपको, अब गाइज यहाँ पर यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर मेरा सिम 2 में एयरटेल लगा हुआ है, एयरटेल सिम है जो कि मेरा बैंक से रजिस्टर है, आप वही सिम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपके बैंक के साथ रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर सेंड एसएमएस का ऑप्शन है, सेंड एसएमएस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल पे अगर कुछ बैलेंस है तभी यह एसएमएस सेंड होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मैसेज हमारा जा चुका है, और मैसेज जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है आपको। अब देखिए गाइज यहाँ पर हमें एक यूपीआई आईडी मिल चुका है, ये यूपीआई आईडी जो टाटा पे का है वो आईसीआईसी बैंक का मिलता है। तो देख सकते हैं जैसा कि योर नंबर इज वेरीफाइड, एंड यहाँ पर एक जो है मुझे यूपीआई आईडी मिल चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेटअप माई यूपीआई आईडी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से इंतजार करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन बोल रहा है कि अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा यहाँ पे। तो गाइस आपका जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे है आप उसको ऐड कर लेंगे। आपका जैसे मेरा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, मैं एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करने के बाद, बैंक को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद इंतजार करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर जो है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये HDFC बैंक ही रजिस्टर है, तो मेरा आ चुका है उसको। जैसा कि देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मेरा जो है बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, और हमें एक यूपीआई आईडी भी मिल चुका है टाटा पे का। अब हमें टाटा न्यू का एक यूपीआई आईडी भी मिल चुका है। अब हम अपना देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं या नहीं। बैलेंस चेक करने के लिए हम सिंपली उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। रिक्वेस्ट बैलेंस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए गाइस फर्स्ट टाइम अगर आप बैंक का यूपीआई ऐड कर चुके हैं उसके बाद उसमें आप बैलेंस चेक करें या किसी को ट्रांसफर करें तो सबसे पहले इसको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल्स डालना होगा आपको। तो चलिए हम अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ पर डाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डाल दिया है, उसके बाद उसका वैलिडिटी डेट डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंतजार करेंगे, एक ओटीपी हमारे रजिस्टर नंबर पे रिसीव होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू वाला साइन निशान है इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अपना एटीएम का पिन डालना होगा। तो चलिए हमारा एटीएम कार्ड का जो पिन है हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। एटीएम कार्ड का यहाँ पर पिन डाल दिया है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर गाइस 4 डिजिट का आपको पिन सेट करना होगा ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन आप टाटा न्यू एप्लीकेशन के अंदर करेंगे तो वो जो है यहाँ पर वो पिन बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी पिन यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। एक बार मैंने यहाँ पर पिन इंटर कर लिया, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, जो आपने पिन पहले डाला था वही पिन फिर से आप यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं। तो गाइज मैंने फिर से वही पिन यहाँ पे इंटर कर लिया, उसके बाद इस वाले आइकॉन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा और सक्सेसफुल हम इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डन योर यूपीआई पिन सेट। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट बैलेंस है, रिक्वेस्ट बैलेंस पर क्लिक किया मैंने। रिक्वेस्ट बैलेंस पर क्लिक करने के बाद जो पिन मैंने सेट किया है अभी ट्रांजेक्शन पिन, उसको हम यहां पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहां पर इस तरह का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि बैलेंस हमारा यहां पे शो हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। अब यहां पे फर्स्ट यूपीआई ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं किसी को तो आप कैसे कर सकते हैं गाइज। तो अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सेंड मनी के ऑप्शन पर जाएंगे। सेंड मनी के ऑप्शन पर जाने के बाद वहाँ पर जिसको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, या तो आप किसी को यूपीआई कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे। अलाउ यूपीआई आईडी पूछेगा आपसे, अपना यूपीआई आईडी जो आपका है वो आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद यहां पर वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद आप यहां से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना एक यूपीआई आईडी यूपीआई डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा, जो कि जैसा कि मैंने पेटीएम का एक यूपीआई यूज़ किया, यहाँ पर वो वेरीफाई हो गया, जैसे देख सकते हैं वेरीफाइड, मेरा नाम भी नीचे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चलिए 100 रुपया पे करना चाहता हूँ तो 100 रुपया लिख देंगे यहाँ पे, 100 रुपया डाला। उसके बाद पे, पे करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और मैंने जो पिन बनाया था यूपीआई पिन वो यहाँ पे इंटर करेंगे, वो इंटर किया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया,
उसके बाद इंतज़ार करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया हमारा। और हमारा जो है यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप डाउनलोड इनवॉइस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं HDFC से हमें मैसेज भी आ चुका है कि आपने जो है 100 रुपया UPI किया है। तो इस तरह से फर्स्ट UPI आप गाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक टू होम पेज है, आप यहाँ पर फिर से बैक टू होम पेज पे जा सकते हैं। किसी को UPI करने के लिए टाटा पे में जाना है, टाटा पे में जाने के लिए यहाँ पर फिर से आपका जो बैंक आपने ऐड किया वो शो हो जाएगा, आपका UPI ID शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर किसी को स्कैन एंड पे से कर सकते हैं या UPI कर सकते हैं। इस तरह का सर्विस है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।